हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर टेकर में। आज हम बात करने वाले हैं ESIC इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर जो भर्ती निकाली हुई है। इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के जो पद हैं 1120 पदों पर भर्ती की जानी है, तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों पर शेयर करें। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जो हमारी वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं वो है सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से सलूट है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे ESIC जो इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर भर्ती निकाली हुई है 2021 और 22 के बीच कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो ने बीमा चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए यहाँ पे न्यूज़ दिया है। ये जो वेबसाइट इसकी है esic.nic.in के माध्यम से 31/12/2021 से यह वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। 31/1/2022 तक के यहाँ पे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें कुछ जानकारी है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बीमा का विभाग का जो नाम है कर्मचारी राज्य बीमा ESIC का जो नाम है, विज्ञापन ESIC भर्ती है। जॉब प्रकार जो होगा गवर्नमेंट प्रकार है। एंड इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर IMO ग्रेड सेकेंड का यह पद नाम है। योग्यता जो यहाँ पे मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। कुल पद इसमें 1120 पद मांगा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुरू जो होंगे 31/12/2021 से चालू होंगे। अंतिम तिथि 31/1/2022 होगी। आवेदन का जो माध्यम होगा ऑनलाइन फॉर्म होगा। परीक्षा मोड ऑफलाइन होगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.esic.nic.in। पदनाम जो होंगे मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल ऑफिसर IMO की जो भर्ती है, कुल पद वर्ग जो होंगे 1120 यहाँ पे टोटल पोस्ट दी है। जनरल की 459 पोस्ट है, SC की 158 है, ST की 88 है, OBC की 303 है, EWS की 112 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री होनी चाहिए, जो अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरा किया हो। पद के लिए शैक्षिक योग्यता के विवरण के लिए अधिक सूचना की जो लिंक है वहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है। सामान्य OBC EWS की जो फीस होगी 500 रुपये होगी। SC ST दिव्यांगजन की जो फीस होगी 250 रुपये होगी। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रखी गई है। ESIC IMO रिक्वायरमेंट 2022 में जो एज लिमिट मांगा हुआ है, आयु सीमा की जो बात कर लेते हैं 31/1/2022 से लागू होगी। न्यूनतम आयु 21 साल होना अनिवार्य है, अधिकतम आयु 35 साल होगी। आयु सीमा में जो छूट होगी सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान दिया है। यहाँ पे ESIC IMO रिक्वायरमेंट 2021-22 सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जॉब 2021 के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन 3 चरणों में होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से होगा। रिटर्न एग्ज़ाम जो होंगे 200 मार्क्स के होंगे। इंटरव्यू 50 मार्क्स का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे ऑनलाइन की जो तिथि है 31/12/2021 से एंड लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/1/2022 है। आवेदन फीस भरने की तिथि 31/1/2022 है। परीक्षा तिथि मार्च 2022 में होगा। प्रवेश पत्र जारी भी मार्च 2022 में होगा। चलिए फॉर्म का कुछ प्रारूप देख लेते हैं। आवेदन ऑनलाइन किस तरीके से यहां से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पे हम क्लिक करते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है यहाँ पे आपको कुछ पढ़ना है। यहाँ पे जो आवेदन कैसे करें, चरण पंजीकरण जो साइन अप किस तरीके से करना है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज है, हस्ताक्षर का जो साइज है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, डायरेक्ट नीचे आना है, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है
और यहाँ पे स्टार्ट करना है। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका है वो पहले से जो पंजीकृत है यहाँ पे नीचे लॉगिन कर सकते हैं सेकंड नंबर पे। यहाँ पे हमें शुरू करना है तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म का इंटरफेस ओपन होगा। फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ जानकारी महत्वपूर्ण दिया है। यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी। कृपया पोस्ट का जो एम्प्लॉयड चुने, यहाँ पे हम एम्प्लॉयड बीमा चिकित्सा एम्प्लॉयड जो है बीमा चिकित्सा अधिकारी इसको चुन लेते हैं। एंड पोस्ट कोड है 01। यहाँ पे उम्मीदवार का नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, रिपीट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी। ईमेल आईडी की पुष्टि यहाँ पे आपको दोबारा से करनी होगी। यहाँ पे कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके आप प्रस्तुत यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि सबमिट कर सकते हैं। यहाँ सबमिट आप जैसे ही करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP और इसका जो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है ये आपके मोबाइल पे चला जाएगा। वहाँ से जाने के बाद आप इसे फिर से वापस आ करके यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन में आप आएंगे, यहाँ पे आपको आईडी यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना होगा। यहाँ पे आप डाल के लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ पे इसके अंदर फॉर्म फिल करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के जय हिंद जय भारत।